यूँ जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त ये शेर भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट की कामयाबी को बखूबी बयां कर रहा है, क्योंकि भारतीय स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। विनेश ने महिला 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल इवेंट के सेमीफाइनल में क्यूबा की रेफलेस यूस्नेलिस गुजवेन को करारी शिकस्त दे दी है। यूई 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन, टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट और रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इन रिकॉर्ड्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में यूई के खिलाफ विनेश की ये जीत कितनी बड़ी है। दरअसल विनेश के खिलाफ मैच के शुरुआती दौर में वो हावी रही और 2-0 से आगे थी। इसके बाद विनेश ने वो किया जिसे कुश्ती की दुनिया में असंभव माना जाता है। हार की तरफ बढ़ रही विनेश ने आखिरी 20 सेकंड के खेल को पलट दिया और नतीजा ये हुआ कि इस मैच को विनेश ने 3-2 से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही विनेश फोगाट ओलंपिक की महिला कुश्ती के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर भी बन गई हैं। उन्होंने देश के लिए सिल्वर मेडल तो पक्का ही कर लिया है, साथ ही उनके पास गोल्ड मेडल जीतने का भी सुनहरा मौका है। इतना ही नहीं, खेल की दुनिया में विनेश का सफर भी उपलब्धियों से भरा रहा है। महज 9 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठने के बाद विनेश फोगाट ने जिंदगी की चुनौतियों से हार नहीं मानी। जब लोग खुद को बेबस और कमजोर समझने लगते हैं, ऐसे वक्त में विनेश ने खुद खेल में ऐसा अपने आप को रमाया कि एक के बाद एक मेडल पर अपना नाम लिख दिया। विनेश ने 2 बार यानी रियो और टोक्यो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्रॉन्ज मेडल और एशियाई गेम्स में 1 गोल्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा विनेश ने 2019 में विश्व चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल के साथ 2021 में एशियन चैंपियन का खिताब भी जीता था। 29 साल के इस पहलवान ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ी लंबी लड़ाई के चलते काफी वक्त मैट से दूर भी बिताया, मगर उन्होंने ओलंपिक में आते ही धमाल कर दिया, क्योंकि विनेश ने अपने जुनून और जज्बे को कायम रखा था। विनेश ने हौसला दिखाया, हार नहीं मानी और इस कहावत को सच कर दिखाया कि झुकता है आसमां, बस झुकाने वाला चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि विनेश का ओलंपिक तक का सफर दर्द और आंसुओं से भरा हुआ है। वो तस्वीर तो आपको याद होगी जब पहलवान विनेश फोगाट दिल्ली पुलिस से जूझती नजर आ रही थी। इस तस्वीर में विनेश खुद को खाकी वर्दी वालों के हाथों से छुड़ाने के लिए कड़ी मशक्कत करती दिखाई दे रही थी। आज से लगभग 1 साल पहले दिल्ली की सड़कों पर भारत के 2 ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ कई लोग न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। वो दोनों मेडलिस्ट साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया थे, लेकिन इनके साथ एक चीख विनेश फोगाट की भी थी और विनेश अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांग रही थी। दरअसल पिछले साल विनेश, साक्षी समेत कई महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण के खिलाफ छेड़खानी, यौन शोषण और मनमानी का आरोप लगाया था। उन्होंने पिछले साल जंतर मंतर पर धरना भी दिया, लेकिन उनको धरने से उठाने की पूरी कोशिश की गई। पहलवानों के साथ पुलिस की झड़प भी देखने को मिली थी। पुलिस से टकराव में विनेश सड़क पर गिर पड़ी, कोई उनके बाल खींच रहा था, कोई हाथ खींच रहा था, लेकिन ब्रजभूषण के खिलाफ विरोध नहीं थमा। इस प्रदर्शन के करीब 3 दिन बाद सरकार जागी और उस वक्त खेल मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने जांच करने के लिए कमेटी का गठन करने का आदेश दिया। आरोपी की जांच के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई गई। जांच और समिति से जब कोई ठोस नतीजा निकलता नहीं दिखाई दिया तो पहलवान कमेटी की जांच पर सवाल उठाते हुए दोबारा जंतर मंतर खिलाड़ी पहुंच गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके एक दिन बाद ही पहलवानों ने दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन FIR दर्ज नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दूसरे मामले में FIR दर्ज की। फिलहाल मामले में ब्रजभूषण पर आरोप तय हो चुके और दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ऐसे हालात में कई बार लोग हार मान लेते हैं, लेकिन विनेश ने हार नहीं मानी। माने भी क्यों, आखिर खिलाड़ी कहते ही उस शख्सियत को है जो लास्ट टाइम तक हार ना माने और निराशा में डूबने के बजाय विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दे। और हुआ भी ऐसा ही, आखिर विनेश ने हारी बाजी को जीत लिया और हारी बाजी को जीतना जिसे आता है वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।